भी ले हम लोग तो भी चल जाएगा। बुकलेट करना जरूरी है, अपना बुकलेट 10 बार होना चाहिए। एक बुक लेना है तो नरेंद्र अवस्थी, तो मैं मन है थोड़ा और एक और बुक ले लूं तो नरेंद्र अवस्थी और आरसीएम ले लो, ये नरेंद्र अवस्थी और पी बहादुर। मान लो तुम्हें लगता है कि आरसीएम में 30-40 शॉट, मुझे 100 शॉट चाहिए, 100-120, तो पी बहादुर की बुक ले लो, नरेंद्र अवस्थी और पी बहादुर ले सकते हो। नरेंद्र अवस्थी 2 वॉल्यूम आ गया क्या? अभी तक तो एक ही वॉल्यूम आता था फिजिकल केमिस्ट्री की, छोटी सी तो बुक है उसमें 2 वॉल्यूम। हाँ तो नरेंद्र अवस्थी मेन है लेना, वो लेना ही है, बुकलेट प्लस नरेंद्र अवस्थी। वैसे केवल बुकलेट से भी काम हो जाता है, अपने बुकलेट के क्वेश्चन अवस्थी से भी अच्छा है, फिर अवस्थी भी साथ में एक रखते हैं सपोर्टिंग है। उसके बाद भी कुछ लोग मने के थोड़े और बुक्स का नेम बता दो तो तुम ले सकते हो, आरसीएम, पी बहादुर, ओपी टंडन, अजीत साई, कोई एक ले लो। पी बहादुर बेटर होगा, 100 सॉल्व क्वेश्चन होंगे, 100-110 सॉल्व क्वेश्चन है तो बहुत ईजी बना देते हैं वे। नरेंद्र अवस्थी के साथ एक और टीचर है, उन्होंने लिखा इनऑर्गेनिक की बुक उसके साथ है। हाँ अभी के लिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, कहीं ना कहीं से सर्च मारने पर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। हाँ सिंगेज इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। सिंगेज में क्या होगा ना कि तुम्हें थियरी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्वेश्चन भी तुम्हें थॉरली बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तो सिंगेज की बुक ले सकते हो। यहाँ पे सिंगेज की बुक क्या कहेगा ना, ये थियोरेटिकल बुक होगी, प्लस क्वेश्चन भी उतने होंगे, हर सब पे 100-150 सॉल्व क्वेश्चन होंगे, थियरी भी डिटेल में होगी, तो सिंगेज भी बहुत अच्छी बुक है। बट अल्टीमेटली बुकलेट ही है सब कुछ अपना, बुकलेट में थियरी भी दिया हुआ है, मेरे पास भी थियरी जो दे रहा हूँ वो आ ही रहा है, और कुछ सॉल्व क्वेश्चंस देखने हैं तो ये सबसे किसी एक से देख लो, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, फिजिक्स टाइप नहीं होता केमिस्ट्री कि मतलब कंसेप्ट से सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे छोटे मोटे कंसेप्ट बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं है, सॉल्व भी हो जाता है क्वेश्चन आराम से, एक बार में नहीं होंगे वो, सही है, मोल कंसेप्ट जैसे एक बार में नहीं होगा। आप तो देख रहे होगे, तुम लोग मोल कंसेप्ट ईजी लग रहा होगा, पहले वही नहीं समझ में आ रहा हो कि नंबर दिया हुआ मोल कैसे निकाले, अब तो ये आदत हो गई होगी कि डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, मास दिया तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, फॉर्मूले हैं बस, लर्न हो जाते हैं, बस हो जाता है केमिस्ट्री का काम। हाँ इस तरह से कई साइट्स मिल जाएंगे जहाँ तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और ये सब मिल जाते हैं, बट ज्यादा थोड़ा पढ़ने पे ध्यान रखेंगे हम लोग। मैं समझ देता हूँ, एक कौन सा एनके घोष, एनएन घोष, कोई एक बुक है, एक सिंपल सी बुक है, उससे मैं देता हूँ। देखोगे तो हर जगह वही रहेगा, बट किसी किसी ने क्वेश्चन हाई कर दिया, जैसे पी बहादुर है सिंपल से लेकर टफ तक दिया हुआ। मैं हाँ एनएन सिन्हा की बुक, एनएन सिन्हा की बुक थी वो, बिहार के एक राइटर है एनएन सिन्हा, तो वो वहां के लिए बहुत फेमस राइटर है, उनकी बुक है, बट एवरेज लेवल क्वेश्चन से बोलो, देखिए एवरेज लेवल क्वेश्चंस देने से क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर बुकलेट हो जाता है, इसके लिए वो दे देता हूँ। चलो स्टार्ट करें अभी। हाँ बुकलेट का काम समझ में आ गया ना क्या क्या होगा, कुछ लोग कंसर्न थे कि कुछ बुकलेट बता दूं, तो थियरी ज्यादा चाहिए तुम्हें अपने बुक से तो सिंगेज भी ले सकते हो, सिंगेज और नरेंद्र अवस्थी, बट लग रहा है कि थियरी अपने बुकलेट से तो हो ही जा रहा है, मेरे नोट से भी हो जा रहा है, तो सिर्फ नरेंद्र अवस्थी और आरसीएम ले लो, या नरेंद्र अवस्थी पी बहादुर, या नरेंद्र अवस्थी ओपी टंडन, या नरेंद्र अवस्थी रंजीत साई, या फिर ये सब सपोर्टिंग बुक कई लोगों ने नहीं लिया था पिछले बैच में, तो जरूरत नहीं है, फिर भी सबका आईटी हुआ तो उन लोगों ने नरेंद्र अवस्थी क्यों लिया था, और उसमें भी कई लोगों ने वो भी नहीं लिया, बुकलेट से ही किया तो भी हो गया उनका। तो कंसेप्ट इज की एक बुक को 10 बार करना ज्यादा जरूरी है रादर देन बहुत सारे बुक्स लेने, फिर भी आई विल प्रेफर कि नरेंद्र अवस्थी की एक बुक रखना। अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, अभी तो फालतू कंसेप्ट जा रहे हैं थियोरेटिकल। चलो आगे स्टार्ट करें। हाँ
सबका नेटवर्क आते जाते रह रहा है, ठीक है, वो बीच में मैं देखते रहता हूँ। चलो अभी करते हैं, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये डिटेल में आएगा तुम्हें फिजिक्स में ही। बता भी क्या होगा डिफ्रैक्शन, मतलब जैसे डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट को यदि विंडो से पास करो तो विंडो से स्ट्राइक करके चारों ओर स्प्रेड करता है, ये किसी स्मॉल होल से पास करो तो होल से लाइट पास करके चारों ओर स्प्रेड हो जाती है। मतलब वो जहां पे स्ट्राइक करता है लाइट बेंड करता है या फिर डिफ्रैक्ट हो जाता है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया वहां पे न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बिहेव करता है वो। जैसे विंडो के एज से स्ट्राइक किया सनलाइट तो वो न्यू सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है वो एज, और वहां से चारों ओर लाइट जाती है, तो इसलिए पूरा रूम लाइटेड हो जाता है एक विंडो से। अदरवाइज यदि पार्टिकल ले लो, किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना, तो डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है कि वही स्प्रेडिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ओके, तो डिफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ वेव। When it is passed through a small hole, और interference क्या होता है? Addition and subtraction of wave, जैसे ये दो वेव है ना, इसको दूसरे वाले से रिएक्ट करें तो ये एक रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो एक बड़ा सा वेव बन जाएगा ऐसे। मतलब यहाँ पे ये ए था और ये भी ए था, सब सेम हाइट है, और यहाँ पे भी ये ए था, ये ए था, ये ए था, सब ए ही है। तो ये जब दोनों ऐड होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये टू वे हो जाएगा और ये भी टू वे हो जाएगा, ये भी टू वे हो जाएगा, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब वेव का एक टेंडेंसी ऐसे, तो मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा डेप्थ वाला टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव मिलके बस ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ए की जगह टू ए इस तरह से आने लगेगा। ओके हाँ बोलो, नहीं फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं, एम्पलीट्यूड बस टू ए हो गया, और सब डिटेल नहीं भूल जाओ, हम लोग का काम बस इतना ही कि a प्लस a टू ए हो गया, बाकी सब डिटेल फिजिक्स में। उसका यूज कहीं एक जगह आने वाला हम लोग का, वो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये नहीं पूछेगा, एक जगह दो वेव को लेकर बड़ा कर देंगे हम लोग, तो वो बताना है। बाकी सब पॉइंट हम लोग का आउट ऑफ स्कोप है, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा या फिर अदर का क्या होगा, किसी का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड अप ये दोनों प्लस माइनस होता है। तो सिर्फ ये दो वर्ड याद रहे ना तुम्हें, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इतना पे काम हो जाता है अपना केमिस्ट्री का, ये प्लेन बन जाएगा, ये होगा डिस्ट्रक्टिव, एक मिनट को डाउट अभी नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिकॉर्डिंग ऑन था ना, हाँ ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फॉर द नहीं नहीं सेम एम्पलीट्यूड नहीं, ए वन ए टू है तो भी ऐड हो जाता, बट हम लोग के लिए सबका ए वाला ही आने वाला। हाँ ए वन प्लस ए टू या ए वन माइनस ए टू ऐसे हो जाता। मैंने बताया कि जब दोनों ए वाले हैं तो या तो टू ए होगा या जीरो होगा,
कोई जरूरत नहीं सब जानने की, बस ये मान लो कि दो वेव प्लस माइनस वाला ऐड हुआ तो दो मतलब प्लस प्लस बस ऐड कर लो, ए प्लस ए 2a होता है और ए माइनस ए 0 होता है, बस इतना से काफी है अपना। बाकी फिजिक्स में डिटेल में इस पे बहुत लंबा जाएगा, 1 महीने टाइम जाएंगे इस पे, वो सब पार्ट वहां करोगे, अपना का पार्ट बस छोटा सा था और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इधर टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं। तो कई चीजें जा कहीं पे लिख दूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बस उतना याद करना है कंस्ट्रक्टिव हुआ, ये नहीं कि वो क्या था कैसे था क्यों हुआ, उतना सब की जरूरत नहीं है अपनी। ठीक है ना, वो सब फिजिक्स का पार्ट, ए प्लस ए 2a है और ए माइनस ए 2a है। अब ए 1 प्लस ए 2 का भी होगा, वहां फ्रिक्वेंसी का क्या होगा, अलग अलग भेजेंगे तो क्या होगा, यदि सेम फेज में ना हो तो क्या होगा, वो सब फिजिक्स का पार्ट होगा, सर फिजिक्स में करा देंगे वो। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए प्लस ए मतलब प्लस माइनस दोनों को ऐड करो, प्लस 5 माइनस 5 तो ओवरऑल 0 हो गया, तो फ्लाई एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वेव गायब हो जाएगी। हाँ, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों, ये ऊपर प्लस साइन है, मैंने थोड़ा एक चीज रॉन्ग कर दिया था वो लिखने में। ये प्लस होगा तब जाके 0 होगा ना, प्लस से माइनस है ऐड करने पे, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये दोनों सेम वेव को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे हुआ ना माइनस ए माइनस ए 0 होता है ऐसे, तो भी ये ऐसे लिख सकते हो। दोनों में क्लियर है ना डेफिनेशन कैसे हो गया, यहाँ पे हाइट ए है प्लस ए है और यहाँ पे इसके पास कितना था माइनस है, प्लस ए माइनस ए को ऐड करो तो 0 हो गया, या यहाँ पे जो नीचे वाला ये दोनों में क्या है प्लस ए ही है ना, नीचे वाले में क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लस ए और प्लस ए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा, कैसे लिखते हो। नहीं क्लियर हुआ, देखो प्लस ए और माइनस ए दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, +5 -5 0 ऐड करोगे तब ना, +5 और -5 है तो, और +5 -5 एम्पलीट्यूड मान लो 5 है, 0 कब होगा, 5 -5 इज 0 ना, तो दोनों सेम टाइप का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा होगा। क्लियर हुआ अभी, अपोजिट साइन, 0 लाना है तो ए माइनस ए इज 0 और ए और दूसरा माइनस ए है तो उसे ऐड कर दो तो 0। हाँ, अब अपने टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है तुम लोग का, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आईआईटी का, इससे पहले क्लोजेस्ट अप्रोच कहीं कहीं कभी आया तो आया, नहीं तो भूल जाओ। नीचे वाला एम्पलीट्यूड निगेटिव है, नीचे वाला एम्पलीट्यूड, हाँ नीचे वाला का एम्पलीट्यूड कौन सा सानवी निगेटिव है, ये माइनस किया मैंने, ए माइनस ए इक्वल टू 0, दूसरे में प्लस किया था ए प्लस ए 2a, कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों को ऐड करना पड़ता है तब बड़ा हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा हो जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड 5 है और एक का 2 है, तो 5 + 2 एड हो गया तो कंस्ट्रक्टिव 7 हो गया, और 5 - 2 मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शंस को हम लोग ये बोल रहे हैं इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। क्लियर, ठीक है, तो प्लैंक से स्टार्ट करें ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो है ना, वो
इमिट कर सकता है या एब्जॉर्व कर सकता है. कैन इमिट और एब्जॉर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस. अभी किसके फॉर्म में इमिट करेगा? तो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी होता है, एनर्जी इमिट किया अब्सॉर्ब किया है ना. इमिट एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. कॉल्ड क्वांटा. पैकेट्स को क्वांटा बोलेंगे. और इसमें क्या हो गया, जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, एक जो पैकेट हो गया उसको बोलते हैं क्वांटम. मतलब क्वांटम में भेजेगा. और लाइट रहा तो उसको बोलेंगे फोटोन. मतलब जो तुम्हारे पास ये बल्ब है, बल्ब से जो लाइट आ रही है वो एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आएगा. वेव कंटिन्यूअस होता है, जैसे बल्ब हो गया तो बल्ब से एक वेव निकलता तो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है. अच्छा आगे लिखता तो क्लियर होगा. इसमें क्या होगा, एक पैकेट के रूप में होता है. तो बल्ब को देखो तो तुम्हें याद आना चाहिए छोटा छोटा पैकेट तुम्हारे पास आ रहा है. जैसे कि पैकेट क्या है, जैसे मिल्क का एक पैकेट ला लो, 500 ml का एक पैकेट आता है या 1 लीटर का आता है, तो 500 ml का एक पैकेट हो गया. तो वैसे ही पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आएगा. तो बल्ब जो होता है ना तुम्हारे पास, एक्चुअली पैकेट ऑफ एनर्जी भेजता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट भेजता है. एक पैकेट की मान लो एनर्जी 2 जूल है, तो जो तुम्हें एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2-2 जूल का एक पैकेट है. बल्ब से सोचो छोटा छोटा एनर्जी बाहर आ रहा है पैकेट, जैसे मिल्क का पैकेट आता है, वैसे पाउच जो आता है, सब कई पाउच तुम्हारे ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं. एक पाउच में 2 जूल भरा हुआ, मान लो 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, जो भी है, मान लो 2 जूल एनर्जी भरी हुई है. या तो एनर्जी तुम्हारे पास जीरो थी या डायरेक्ट तुम्हें एनर्जी 2 जूल मिली. उसके बाद अगले बार एक और पैकेट मिला तो सीधे 2+2=4 हो जाएगा ना. तुम्हें दूसरा जूल क्या मिल गया, 2 जूल का और पैकेट मिल गया, तो 4 जूल हो गया. थर्ड में 6 जूल तुम्हारे पास एनर्जी होगी, फिर 8 जूल, फिर 10 जूल, फिर 12 जूल, ऐसे तुम्हारी एनर्जी बढ़ते जाएगी ना. तो एनर्जी जो तुम्हें मिल रही क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है. कभी कंटिन्यूअस नहीं थी, मतलब 2 जूल से 2.1, 2.2, 2.3 जूल ये कभी मिला ही नहीं. हमेशा 2 जूल या इसका मल्टीपल मिला है, 2 जूल, 4 जूल, 6 जूल, 8 जूल, 10 जूल, ऐसे. तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तुम्हें मिलता है. ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है. क्यों कंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस मतलब मिलता था तुम्हें हर एनर्जी मिलती. जैसे मान लो एक पैकेट 5 जूल का मिल रहा है, तो तुम्हें एक पैकेट आकर स्ट्राइक किया था, अचानक तुम्हारे पास जीरो से तुम्हारी एनर्जी लेवल 5 जूल पर आ गई, तब तक दूसरा पैकेट आकर तुम्हें स्ट्राइक किया, दिख नहीं रहा है, सब स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार तुम्हें, तो तुम्हें लगातार दूसरा 10 जूल हो गया एनर्जी. तो 5 जूल से सीधे 10 जूल पे चले गए, तो तुम्हें कभी 6, 7, 8, 9 तो मिला ही नहीं. हर समय क्या मिल रहा है, एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म मिल रहा है. क्लियर? तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटम बोल रहे हैं, और ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है. तो जो बल्ब भी लाइट भेज रहा है वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं भेज रहा है, डिसकंटिन्यूअस भेज रहा है, पैकेट्स भेज रहा है ना. कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ. देखो पैकेट्स वो भेजेगा, मान लो एक पैकेट की एनर्जी 10 जूल है, तो तुम्हें एनर्जी या तो 10 जूल मिली या फिर डायरेक्ट 20 जूल या 30 जूल. तुम्हारे पास 12 जूल था क्या, 13 जूल कभी मिला, 14 जूल मिला? नहीं, डायरेक्ट 10 जूल से कितना हो गया, 10 जूल से डायरेक्ट 20 जूल पे आ गया ना. उसके बाद 20 जूल से 30 जूल पे आ गया. तो एनर्जी क्या कंटिन्यूअस मिली क्या? नहीं कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस तो स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हो गया, उसमें हर पॉसिबल वैल्यू होता है. एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मिली तुम्हें 10 जूल के बाद, दूसरा रुक के दूसरी 20 जूल मिली, कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद मिला ना. और वो भी क्या हो गया, लगातार 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी नहीं मिला.
क्लियर, मतलब 10 के बाद डायरेक्ट 20, ठीक है। अब देखो क्या क्या डाउट हो जाते हैं, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्लियर होना चाहिए। साइज ऑफ द पैकेट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा ये सब तभी आएगा, अभी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस केवल बताया। अच्छा ठीक है, फिर भी बताते जाता हूँ। पैकेट का साइज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका पैकेट बड़ा होगा। जैसे वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पैकेट बड़ा होगा, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका पैकेट छोटा होगा। तो वही बोलते हैं रेड कम एनर्जेटिक है, वायलेट ज्यादा एनर्जेटिक है। वायलेट का बदल अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, उसका पैकेट और बड़ा आएगा। अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्सरेज आ गया, एक्सरेज का पैकेट और भी बड़ा होगा, वो और भी स्ट्रांग होगा। देन गामा रेज, देन कॉस्मिक रेज, ऐसा। स्लो मोशन में देखो तो बल्ब फ्लिकरिंग करेगा नहीं, वो कुछ और रीजन है। 20 गिव्स कंटिन्यूअस एनर्जी, व्हाट द साइज ऑफ द, हाँ वो एक पैकेट के अंदर यूज से बात करते हैं बस, अभी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझाना था। हाँ इट विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, सबको क्लियर होगा अभी? क्लियर, यस नो? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब कोई भी चीज तुम्हें कंटिन्यूअस मिलता है ना, तो तुम्हें हर हर एनर्जी होनी चाहिए, जो भी एनर्जी का वैल्यू सोचो वो मिलेगा। जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब तुम्हें हमेशा इलेक्ट्रॉन मिनिमम चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो तुम्हारे पास या तो 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, या इसका डबल 3.2 × 10⁻¹⁹ होगा, या इसका ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 4.8 × 10⁻¹⁹। मतलब जो तुम्हें चार्ज मिलेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ के मल्टीपल में ही मिलेगा, 2, 3, 4 वगैरह। क्लियर? तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, उसको क्वांटिटी में बता सकते हो कि तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि 10 का है कि 15 का है। कभी फ्रैक्शनल चार्ज नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास 5.1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या दो या 10 या 20 या 50 मल्टीपल मिलेंगे। तो चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा कि इसका क्या हो गया, मैक्सवेल छोड़ दो, मैक्सवेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइज ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज डिसकंटिन्यूअस, हाँ चार्ज भी और ये भी। अभी क्या हो गया, प्लैंक ने क्या थियरी बताया कि एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस क्या करता है, इमिट और अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो पैकेट वो भेजेगा उसको क्वांटा बोलते हैं। और वो क्वांटा यदि मान लो कि एक्सरेज वगैरह नहीं है, विजिबल लाइट है, उस क्वांटा को हम लोग बोलेंगे फोटोन। वैसे सबके लिए फोटोन ही बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। अब एक क्वांटम की एनर्जी क्या होगी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम, और एनर्जी ऑफ क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस न्यू, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, जो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे प्लैंक ने अपना एक कांस्टेंट दिया इसके लिए H। हाँ डाउट्स रुक जाओ थोड़ी देर में बताता हूँ। H इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट, डाउट सोच कर रखो, एक साथ बता देता हूँ सब। H इसका वैल्यू होगा 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड, या आर्ग में लोगे तो ये होगा 6.626 × 10⁻²⁷ आर्ग सेकंड। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा मतलब एक पैकेट कितना हो गया, एच न्यू। तो मान लो तुम्हें एन फोटोन मिल गया, एन क्वांटा मिल गया, तो एनर्जी ऑफ n quanta will be nh nu, where n is equal to 1, 2, 3, इस तरह से। मतलब no fractional value, fractional value नहीं हो सकता, सब integer ही होंगे।
केस ऑफ लाइट क्वांटम आर कॉल्ड फोटॉन्स. इन केस ऑफ लाइट क्वांटम आर कॉल्ड फोटॉन्स, उसको फोटॉन्स कहेंगे उस क्वांटम को. ओके, चार्ज इज डिसकंटिन्यूअस. नहीं, चार्ज को कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल रहे हम लोग. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जैसे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. अतः चार्ज जो तुम्हें मिलेगा डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा हमेशा, ये बोल सकते हो. लाइट भी जो मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस ही मिल रहा. एनर्जी जो तुम एब्जॉर्व करते हो या रिलीज करता है कोई भी चीज, वो सब कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस होता. एक फोटोन क्या हो गया, क्या बोले तो फोटोन, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू हो गया. जैसे ये एक पैकेट हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी यू है, तो ये सिर्फ फोटोन क्या होता है, एक एनर्जी का पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट. इसका मास क्या होगा, रेस्ट मास इक्वल टू जीरो. इसमें मास नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी है. क्लियर हुआ ये, रुक जाओ अभी कोई डाउट नहीं. वेट, इक्वल टू एच न्यू समझने पर ध्यान दो, सब डाउट बाद में, ये तो सब मिस हो जाता है. जब मैं बोलूंगा डाउट पूछ लो तब उस समय करना. ओके, इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या हो गया, एनर्जी पैकेट. इसका रेस्ट मास जीरो होता है, मोमेंटम होगा, है ना, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन होता है एच बाई लैम्डा. तो ये जरूरी नहीं कि मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा. जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. उसी तरफ फोटोन का मोमेंटम भी होता है, वो जाके किसी से स्ट्राइक करता है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है वो. एच न्यू, न्यू को सी बाई लैम्डा लिखा था, याद है ये, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. न्यू को लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. तो ये दो फॉर्मूला हम लोग का काम करेगा कहीं भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इक्वल टू एच न्यू और इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. और एनर्जी ऑफ एन फोटोन की बात करें, तो वो होगा एन एच न्यू या एन एच सी बाई लैम्डा, ये होगा. तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या सपोर्ट कर रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी सपोर्टेड पार्टिकल नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव नेचर पे गया ही नहीं, ये बिल्कुल पार्टिकल नेचर पे आ गया है कि छोटा छोटा पार्टिकल इससे बाहर आ रहा है. पार्टिकल मतलब ये नहीं कि उसका मास जीरो होना चाहिए, पार्टिकल मतलब ये नहीं होता है कि उसका मास होना चाहिए, पार्टिकल मतलब उसमें मोमेंटम होना चाहिए. तो इसमें मोमेंटम तो है ना. ये हो गया बल्ब. बल्ब से यदि हम लोग निकल के तुम ऐसे सोचोगे कि एक वेव है, वेव के फॉर्म में आता था तुम्हारे हाथ पर स्ट्राइक करेगा तो एनर्जी लगातार मिलती है, एनर्जी कंटिन्यूअस होता ना. ये जब मिलता था तुम बोलते कंटिन्यूअस एनर्जी मिला तुम्हें. मान लो तुम यहां पर हो, ठीक है, तो हियर आर यू स्माइलिंग. सो बल्ब से जो लाइट आ रही है तुम्हें कंटिन्यूअस मिल रही है, बट ये होता नहीं. एक्चुअली क्या मिलता है, पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर मतलब क्या होगा, यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल जाएंगे, एनर्जी पैकेट, वो तुम्हें स्ट्राइक कर रहे हैं. उसने बोला था कि ऐसे होता है, ये क्या हो गया, फोटॉन्स, मतलब डिसकंटिन्यूअस. उसने बोला कि सेकंड थियरी इज राइट, फर्स्ट में दिखाया गया कि कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रहा, उसने बोला कि नहीं ये गलत है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो एक्चुअली किसी वेव में दोनों नेचर हो जाता है, लाइट का दोनों नेचर मिला है ना. तो ये होता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर कौन सा होगा? पार्टिकल एंड वेव। मतलब सोचो, हम लोग का केवल पार्टिकल नेचर है ना। पार्टिकल नेचर क्या हो गया कि तुम्हारे पास कहीं भी जाते हो तो मोमेंटम हो, जिससे स्ट्राइक करोगे उसे रिप्लेस कर दोगे। पार्टिकल नेचर हो गया कि एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक मार्कर है उसे हटाकर दूसरा मार्कर रखना पड़ता है, उस जगह को खाली करोगे तो दूसरा आएगा। बट वेव नेचर होता है कि एक पॉइंट पे सबका वेव हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ यू कैन स्पीक इन ए क्लास और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबका वॉइस होगा, सबकी आवाज हो सकती है। ये नहीं कि अभी तुम्हारी आवाज आ रही है तो दूसरे की आवाज पास नहीं करेगी, सबकी आवाज एक साथ रह सकती है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कौन कौन बोल रहा था। तो वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल और वेव नेचर। तो वो वेव नेचर हो गया, एक ही पॉइंट पे कई तरह से वेव आ रहे हैं। और पार्टिकल नेचर क्या हो गया? पार्टिकल नेचर मतलब जिसमें मोमेंटम हो, जैसे कि वेव नेचर तो फिक्स है इसका कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये क्या है, वेव का नेचर था ना अभी। तो लाइट जो आता है वो डिफ्रैक्शन भी शो करता है, इंटरफेरेंस भी शो करता है, इसका प्रूवन फैक्ट है, डिटेल में आएगा फिजिक्स में। बट डिफ्रैक्शन तो याद ही रखो, जैसे सन थोड़ा सा एक रूम में विंडो कट करो यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो क्या होता है, जब लाइट आएगा तो पूरे विंडो से स्ट्राइक करके कॉर्नर से पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है ना। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट हो गया तो वो क्या हो गया, इसका वेव नेचर। बट मैं मान लो एक मार्कर को थ्रो करूं तो क्या मार्कर का भी डिफ्रैक्शन होगा क्या? वो भी ऐसा होगा क्या कि विंडो से स्ट्राइक करो थाउजेंड्स ऑफ मार्कर तुम्हारे और आने लगे, मतलब कई लाख मार्कर अचानक रूम में एंटर करे? नहीं, वो पार्टिकल है बिल्कुल, वो जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में विंडो के थ्रू अंदर चला जाएगा। और बट की सनलाइट कैसा नहीं होता, एक पतला स्लिट भी कट किया ना तो उससे स्ट्राइक करेगा तो वेव चारों ओर डिफ्यूज हो जाएगा। ये डिफ्रैक्शन है, ये वेव नेचर है। डिफ्रैक्शन मतलब वेव नेचर जिसमें डिफ्यूजन हो जाता है, क्लियर? तो लाइट का वेव नेचर भी मिला है, प्रूवन है, और वेव का उसने मतलब पार्टिकल नेचर भी है। तो वेव का दोनों नेचर है और किस समय क्या शो करेगा वो कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जरूरत पड़ने पर पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, जरूरत पड़ने पे वेव नेचर भी शो कर सकता है। और हम लोग के लिए कोई भी मासी पार्टिकल लोग, हम लोग के लिए पार्टिकल नेचर में ना वेव नेचर नेग्लिजिबल है। वेव नेचर रहता तो तुम भी वेव के फॉर्म में कहीं से कहीं चले जाते, ऑटो करते ही नहीं आई कहीं से कहीं पहुंच जाते, तो अपना पार्टिकल नेचर में है, क्लियर? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेव नेचर में होता है। ओके, क्या क्या डाउट है देखें। अब डाउट पूछ लेते हैं। चार्ज इज इन फिक्स्ड अमाउंट, चार्ज एक फिक्स्ड अमाउंट में आएगा। चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, जैसे लाइट क्वांटाइज्ड हो गया। इतना तो मालूम चला ना कि ये जो प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी इमिट ऑब्जॉर्ब होता है वो कंटिन्यू, ये होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको क्वांटिटी में बता सकते हो कि तुम्हें 50 फोटोन मिला कि 52 मिला कि 53 मिला कि 67 मिला, कोई भी फोटोन्स। उसी तरह चार्ज भी फिक्स अमाउंट में। कंटिन्यूअस लाइट कहाँ होती है सर? हाँ बिल्कुल नहीं होती, लाइट डिसकंटिन्यूअस मिलती है तुम्हें, जो एनर्जी मिलेगा डिसकंटिन्यूअस मिलता है वो। अब समझना कि बल्ब आ रहा है तो छोटे छोटे पैकेट तुम्हारे और आ रहे हैं, एच का जूल सेकंड होगा, एच का यूनिट इज जूल सेकंड। क्यों? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, और फ्रिक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, यही है ना। तो एच का यूनिट क्या होगा? E by new मतलब जूल, और न्यू था पर सेकंड, तो जूल सेकंड आ गया। व्हाट इज अ क्वांटम और फोटॉन कैरी मेड ऑफ? फोटॉन और क्वांटम जो होता है केवल एनर्जी से बना हुआ है। कंटिन्यूअस का एग्जांपल अभी बता दिया था पलक। ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल इमिट एनर्जी, हाँ तो पूरे वर्ल्ड में मॉलिक्यूल और एटम है वही तो इमिट करते हैं ना, या तो खुद से वो इमिट करें या तुम उसको लाइटेड करो तो वहां से इमिट हो। जैसे टॉर्च जलाया तुमने तो तुमसे लाइट गई, फिर वहां से लौट के आया। पार्टिकल एंड वेव नेचर अब तक समझ में आ गया होगा कि इसमें डाउट है। पार्टिकल नेचर लाइट का, पार्टिकल नेचर वेव नेचर अभी समझाया। अच्छा फिर से पूछ लेता हूँ, डाउट होगा। डिफ्रैक्शन इज सिमिलर टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाँ वैसा ही है, डिफ्यूज हो जाता वो। ओनली सनलाइट इज कंटिन्यूअस, नहीं सनलाइट भी डिसकंटिन्यूअस है। जहां से भी एनर्जी आ रही है सबको सोचता है पैकेट के फॉर्म में आ रहे छोटे छोटे,
एक पैकेट को फोटोन बोल रहे हो, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, चाहे बल्ब ले लो या कैंडल जला दो, दिए जला लो या फिर टॉर्च जला लो, सनलाइट ले लो, कहीं से भी लाइट आ रही है ना, तो उसमें छोटे छोटे पैकेट तुम्हारे और आ रहे हैं। रेशनलाइज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्लैंक दोनों को सेम मान के चलो। साइज ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हाँ एनर्जी से उसका साइज, बस एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी पैकेट बोलते हैं, छोटा बड़ा का मतलब नहीं हो गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी बड़ी या छोटी है, बस वो बोलते हैं। अब उसका पैकेट किसी ने देखा नहीं कि इतना छोटा है कि उतना बड़ा है कि कितना डिफ्यूज है, एनर्जी डिफ्यूज होगा कितना बड़ा उसका मतलब नहीं। रेस्ट मास मतलब मास वो स्थिर कर दो, फिक्स कर दो, तो क्या मास आ रहा है, तो उसका मास जीरो आता है। हाँ क्वांटम किसी के लिए भी होता है, क्वांटम और फोटोन थोड़ा सा अलग हो गया, वही क्वांटम लाइट के लिए बात करें हम लोग तो फोटोन हो जाता है, और बाकी सब में क्वांटा कहलाएगा। जैसे रेडियो वेव आ रहा है तो वहां फोटोन नहीं बोलेंगे, रेडियो वेव में क्वांटा क्वांटम आता है, क्योंकि वो लाइट नहीं है, लाइट मतलब विजिबल लाइट पर आ जाओ तो तुम्हें उसे फोटोन कहना स्टार्ट कर देते। एनर्जी ऑफ द रेस्ट पैकेट जीरो होगा। हाँ मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी फॉर व्हाट, जिसका मासिव पार्टिकल हो, मासिव पार्टिकल का मोमेंटम एम इनटू बी होता है, बट फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है ना, जिसमें मास होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो चार्ज पार्टिकल है उसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये नहीं कि मास नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, या एक स्प्रिंग को खींचो अपने और उसमें एनर्जी स्टोर किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया ना, बट वहां पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² होगा। उसी तरह मोमेंटम तुम्हें mv आदत हो गई है, तो mv किसका, जो कोई मासिव पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम mv, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी mgh की आदत हो गई, क्योंकि तुमने केवल मासिव पार्टिकल का ही पढ़ा है, अब सबका पढ़ोगे, सबका पोटेंशियल एनर्जी, सबका मोमेंटम। क्लियर? जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ½ kx ये K Q1 Q2 by R, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाला जो पार्ट बोला ½ kx², उसी तरह मोमेंटम ऑफ द मासिव पार्टिकल mg mv, उसी तरह मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स m/λ। सेकेंड यूनिट अर्ग हो गया, 1 J = 10^7 अर्ग, 10^7 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 6.627 × 626 × 10^-27 J। वेव एंड पार्टिकल देयर इज मूवमेंट ऑफ फोटॉन्स, नहीं वेव अलग हो गया, वेव मतलब हो गया कि जो फॉर्म तुम जानते हो वेव का कैसे आता है, प्लस माइनस एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे जा रहा है, उसको वैसे इमेजिन करना, वो कंटिन्यूअस तुम्हें मिलते रहेगा जब वेव हो गया तो, और जब पार्टिकल नेचर हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पार्टिकल नेचर मतलब फोटॉन्स, जब फोटोन आ गए तो वो पार्टिकल नेचर हो गया, मतलब एक छोटा छोटा पार्टिकल आ गया जिसका मोमेंटम है h/λ, हर फोटोन का एक ना मोमेंटम होगा h/λ, वो जाके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज कर देता है, मतलब मोमेंटम तो है, तभी तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ना, फोटोन जाके यदि स्ट्राइक कर जाए एटम से तो एटम का भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो वो या इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो सर्टेनली करता है, तो क्या हो जाएगा, उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है ना वो, तो फोर्स कैसे अप्लाई कर सकता है, मोमेंटम कैसे अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन जीरो था अचानक लाइट से स्ट्राइक करते उसको वेलोसिटी आ गई, मतलब मोमेंटम आ गया, मतलब मोमेंटम इसमें भी कुछ था, तो ये फिजिक्स में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करोगे, किसका मोमेंटम h/λ है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv हो गया, दोनों इक्वल करते हो, तो ये सब उधर ही आएगा, इधर के लिए भूल जाओ, बस फोटोन मतलब मोमेंटम है। इफ द रेस्ट मास इज जीरो देन हाउ डज इट हैज मोमेंटम। हाँ अभी तक क्लियर हुआ ना? ये सब तुम लोगों ने अभी पूरा समझा रहा था, उससे पहले ही डाउट लिख दिया लग रहा है, फिर से पूछो क्या डाउट है, इसलिए इतने सारे, कितने के डाउट पढ़ूं, बहुत सारे डाउट लिखा हुआ, जब समझा लूं सब उसके बाद डाउट पूछा करो। रेशनलाइज प्लैंक भूल जाओ, सबको एक ही मान के चलो, हम लोग के लिए प्लैंक कॉन्स्टेंट है एच, रेशनलाइज और नॉर्मल प्लैंक कॉन्स्टेंट नहीं, एक ही प्लैंक कॉन्स्टेंट एच मान लो। फोटॉन्स एंड क्वांटम, वो तो तुम्हारे ऊपर, कैंडल जला दो फोटोन आना स्टार्ट हो गया, लाइट आनी स्टार्ट हो गई ना, कंटिन्यूअस का एग्जांपल अभी दिखाया, वेव इज कंटिन्यूअस,
वेव क्या होता है, यदि वेवी नेचर होगा प्लस माइनस है, जो वेव नॉर्मल दिखाता हो तो वो कंटिन्यूअस हो, कहीं टूटता नहीं है। बट पार्टिकल नेचर क्या हो गया कि एक एक पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस है। और मोमेंटम ऑफ अ वेव नहीं, वेव अलग हो गया, वेव और पार्टिकल, पार्टिकल होगा तो मोमेंटम होगा। पार्टिकल मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि उसका मास कुछ ना कुछ होना चाहिए, मास हो चाहे ना मोमेंटम होना चाहिए। तो फोटोन का पार्ट मोमेंटम होगा, वेव हो गया तो फोटोन कहाँ है, फोटोन छोटा सा पैकेट लो तब तो मोमेंटम की बात कर रहे ना, कि पैकेट इसका क्या मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ अ वेव का कोई मतलब नहीं है ना, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का मतलब है। वेव तो अलग अलग होता है, मेड अप ऑफ व्हाट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग पे करोगे तो वेव अलग हो गया, ऐसा फालतू हटाओ उसकी जरूरत नहीं है। वेव इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल इटसेल्फ, नहीं, वेव नेचर अलग हो गया, पार्टिकल नेचर अलग हो गया। वेव इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कई जगह लाइट इंटरफेयर और डिफ्रैक्ट होता है वहां पे वेव नेचर लेते हैं, और कई जगहों मोमेंटम क्रिएट करता है, चेंज करता है, तो उसे हम लोग पार्टिकल नेचर लेते हैं। कैन वी क्रिएट अ वेव विथ लार्ज वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी, हाँ वो सब पढ़ोगे फिजिक्स में, कैसे कैसे हार्नेसिंग आई, ये सब फिजिक्स में। चलो इतना पॉइंट क्लियर हो गया ना, मोमेंटम कैसे, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैकेट्स को फॉर्म आता है, बाकी सब क्वेश्चंस करते रहना फिजिक्स वगैरह में। अपना पॉइंट क्लियर हो गया ना कि लाइट का द्विविध नेचर है, कि एक वेव नेचर हो गया, तो वेव नेचर की बात नहीं कर रहा, प्लैंक्स किसकी बात कर रहा, पार्टिकल नेचर की, कि उसमें छोटे छोटे एनर्जी के फॉर्म में आते हैं, है ना। वेव सपोर्ट, हाँ वेव मतलब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होगा उसका, वेव सपोर्ट्स डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वेव नेचर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, और पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hc/λ। सिंपल क्वेश्चन देंगे, वेवलेंथ दे देंगे, पूछेंगे एनर्जी ऑफ अ फोटोन, hc/λ, अभी ब्रिंगनस बॉक्स में है ना, या hν। h क्या हो गया, वैल्यू याद कर लेना, 6.626 × 10⁻³⁴। यदि तुम्हें n फोटोन मिल गया, 10 फोटोन मिल गया, 12 फोटोन मिल गया, तो टोटल एनर्जी कितना मिल गया, nhc/λ। पैकेट और क्वांटा में क्या डिफरेंस है, एक पैकेट को एक क्वांटा बोल लो, एक पैकेट ऑफ एनर्जी को एक क्वांटा बोल रहे, और लाइट रहा तो उसी क्वांटा को फोटोन बोल दे रहे। इतने रेडियो वेव में जो आता है एक एक क्वांटा आता है उसको एक पैकेट बोल रहे हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताता हूं अभी करना है, वो क्वार्क्स लेप्टॉन ये सब की अभी जरूरत नहीं है, e² mc² भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी भी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना जो बताया उसमें सही है ना, बाकी चीजें फालतू वाली पूछ रहे तुम लोग, इतना जो बताया इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ मोमेंटम ऑफ फोटोन hc/λ, ओके। तो सिलेबस में एक्चुअली हम लोग को करना जितना होना चाहिए, फालतू चीजों पर जाने से क्या होता है ना, सिलेबस रुक जाता है, तो वो सब चीजें के लिए गूगल करो, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है कि और क्या कर सकते हैं कैसे, तो गूगल से कर सकते हो, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड है, 2 साल के अंदर सिलेबस ओवर करना। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, अ बॉडी दैट कैन एमिट और एब्सॉर्ब all frequencies is called black body. Black body क्या हो गया कि सारे को emit कर सकता है, all frequency को या absorb कर सकता है, जितने तुम्हें frequency दिख रहे हैं।
और रेडिएशन जो इससे बाहर आएगा उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आता है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. मतलब इसमें कहीं गैप नहीं आएगा, तुम्हें वायलेट लाइट भी दिखेगी, इंडिगो भी, जैसे रेनबो के ऑल से वन कलर, अल्ट्रा वायलेट का एक एक फ्रिक्वेंसी, जो भी आएगा सबकी ऑल फ्रिक्वेंसी, एक्सरे वगैरह सब कुछ दिखेगा तुम्हें जो भी आएगा. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सारे फोटॉन्स दिखते हैं तुम्हें. बट उसमें क्या होता है ना कि एक सर्टेन पार्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखेगी. जैसे कि आयरन को हीट करो तो आयरन कैसा दिखता है तुम्हें? आयरन पहले रेड दिखेगा, फिर येलो दिखा, फिर हाँ कंटिन्यूअस, इससे मतलब ऑल फ्रीक्वेंसी आएगी, आएगी फोटोन के फॉर्म में, मगर सारी फ्रीक्वेंसी होगी, सारी फ्रीक्वेंसी होना और आएगा फोटोन के फॉर्म में. कैसा? जैसे पहले रेड दिखा, थोड़ा ये उसको और हीट कर दोगे तो येलो दिखता है, फिर थोड़ा और हीट करो तो ब्लू दिखता है, थोड़ा और हीट करो तो पूरा व्हाइट दिखने लगता है वो. तो सबसे क्या बाहर आते हैं? फोटॉन्स, रेड के फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं. थोड़े समय बाद येलो वाले फोटोन ज्यादा आने लगे, कुछ समय के बाद ब्लू वाले फोटोन ज्यादा आने लगे. तो जब रेड वाले फोटोन लाल हो गया आयरन, है ना, ये नहीं कि केवल रेड ही आ रहा है, रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है ना. बट उसमें इसको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, छोटा सा एक पॉइंट है, बट आता कुछ भी नहीं आईटी में. आईटी में आगे के पार्ट से आएंगे, एक तो क्वांटम पे आ जाएगा, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करना, बता देता हूँ कैसा आएगा, और दूसरा आगे का पार्ट आता है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको सपोर्ट करता है? कभी जेई मेंस में एक में आया था कि पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है, तो पार्टिकल नेचर बताता है वो कैसे. इसमें छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं, रेड लाइट की मेन हो गई है स्टार्टिंग में. मतलब जब हीट करोगे तो आयरन लाल दिख रहा है, रेड क्यों दिख रहा है? उससे रेड वाले फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन वायलेट कम आ रहे हैं, बाकी सब कम आ रहे हैं. इमिट तो वो सब कुछ कर रहा है, सारे वाइब्रेशन, बट रेड के फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं. हीट करने पर वही येलो के ज्यादा आने लगे, और हीट करोगे तो ब्लू के ज्यादा आएंगे, और हीट करोगे तो व्हाइट के ज्यादा होंगे. एनसीईआरटी में एक छोटा पार्ट में एक पैराग्राफ होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सिर्फ इतना समझ लेना कि पार्टिकल नेचर है, दैट्स इट. और इसका डिटेल स्टडी अगेन फिजिक्स में वेव नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अपने लिए बस इतना है कि ये पार्टिकल नेचर. कोई भी अपने पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, एक आइडियल कंसेप्ट है. ओके तो इसके चक्कर में, ये सब कंसेप्ट के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना, बस समझ लेना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो जाता है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है. डिटेल आएगा फिजिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, ये सब केमिस्ट्री में नहीं आता, क्योंकि ये सब फिजिक्स का पार्ट में चला जाता. बस इतना याद रखना कि पार्टिकल नेचर है. अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. अभी क्या सपोर्ट करेगा? सपोर्टेड व्हाट? प्लैंक्स थियरी. सपोर्टेड प्लैंक्स थियरी डू नॉट सपोर्ट बाय मैक्सवेल थियरी. मतलब ये पार्टिकल नेचर को फेवर किया, प्लैंक्स थियरी को फेवर कर रहा है, एंड डज नॉट सपोर्ट द मैक्सवेल थियरी. तो यही एक सेंटेंस पूछ लेता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको सपोर्ट करता है, पार्टिकल या फिर ये. तो वो भी कभी एक बार पूछा है, बाकी मतलब नहीं. बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो. जैसे कि मान लो कि एफएम से एक रेडिएशन आता है, एफएम बोलते हैं ना 92.7 हर्ट्ज से बोलना है ना, एफएम से एक फ्रीक्वेंसी आ रही है,
124 किलो जूल हर्ट्स पे। सो वेवलेंथ कितना भेज रहा है वो? वो जो वेव भेज रहा है वो कितने लेंथ का है, वेवलेंथ क्या है? ये सब सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे थोड़ा टफ आएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेव नंबर 5 पर मीटर। हाँ करेक्ट। ओके ओके ठीक है। तो कई लोगों को आ गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या था, तो मोस्टली सब ने दे ही दिया आंसर। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दिया था मैंने। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, यही होगा। और ये स्पीड ऑफ लाइट से आता है। रेडियो वेव्स क्या होगा, 3 × 10⁸ m/s आ रहा है। न्यू हो गया 1 × 1 मिनट, अभी मत लिखना, 1240 × 10³ हर्ट्स हो गया। इतना यूनिट क्या आएगा, इतना मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ये चाहिए, फ्रीक्वेंसी न्यू चाहिए। न्यू का वैल्यू हो गया सी बाई लैमडा, मतलब C × 1 बाई लैमडा। C × 1 बाई लैमडा इज वेव नंबर ना, उसी को न्यू बार लिखा था। 3 × 10⁸ n·n² हो गया 5, यही होगा ना। हाँ साथ है। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड में क्या दिया हुआ तुम्हें, न्यू बार दिया हुआ है। न्यू बार मतलब क्या होगा, क्या 1 बाई लैमडा। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैमडा। फ्रीक्वेंसी को C × 1 बाई लैमडा दे सकते हो, और 1 बाई लैमडा का वैल्यू 5 है, C × 5। फ्रीक्वेंसी को लिखा सी बाई लैमडा, मतलब C × 1 बाई लैमडा। C × 1 बाई लैमडा लिख सकते हो ना,
सी मालूम है, 1/लैम्डा मालूम है, वेव नंबर 1/लैम्डा था ना, क्लियर? और किसी का डाउट ये दो क्वेश्चन में, तो थोड़ा अच्छे वाले सम्स करते हैं, और जो आते हैं ये तो बस बेसिक की याद रहने, तो ये सब भी फंसने रहते हैं। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर रिवाइज करो, वो सब रिवाइज नहीं किया, पिछले बार बताया था 1/लैम्डा, हमेशा प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज किया करो, 1/लैम्डा। ओके नेक्स्ट, रुको अभी मत लिखना, व्हाट डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वेश्चन, अभी अभी कोई आंसर नहीं, रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन ही रास्ते में अटक गया। 100 में तो विच कैन, व्हाई 1 kJ ऑफ एनर्जी, हाँ अब आंसर करो, हाँ सबका सही आया होगा, 1/3 नहीं होगा, 3:1 होगा, जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, E=hc/λ, इनवर्सली रिलेटेड। ओके ये होगा ना,
ओके आंसर ऑलमोस्ट 5 × 10^20। हाँ ऑलमोस्ट 5 × 10^20। ठीक है भाई, एच करके मतलब उसको कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ कितना रहा। ठीक है देखो, अब हुआ क्या है कि बहुत सारे फोटोन मिलके 1 किलो जूल एनर्जी बनाना, ये कितना फोटोन लोगे कि 1 किलो जूल बन जाइए। हाँ ये 1 किलो जूल में मान लो कितना होगा, तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल दें तो NHc/λ टोटल कितना होना चाहिए, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एन का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू 6.626 × 10^-34, सी का वैल्यू 3 × 10^8, वाई लैम्डा तो हम लोग को चाहिए नहीं, लैम्डा तो दिया ना 100 नैनोमीटर, 100 × 10^-9 विल बी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी 1000 जूल, इससे एन का वैल्यू आएगा। यही किया था ना, N × H × c/λ, एक फोटोन की एनर्जी Hcλ, तो एन फोटोन की एनर्जी है ना Hcλ, और वो टोटल मिलकर 1 किलो जूल होनी चाहिए। क्लियर? अरे सॉल्विंग है, प्रोसेस क्लियर है? HC है, HC/λ। अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर व्हिच कैन प्रोवाइड 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या डाउट है, कुछ लोगों का डाउट है, देखते हैं। यस यस क्लियर, फुल आंसर राइट, टू अप्रोक्सीमेटली दिया रहेगा ऑप्शन, उससे मालूम चल जाता है। यस एच अब फर्स्ट क्वेश्चन में एची क्यों लिया, ये तो मैं डाउट है ना इसी तरह। देखो दो फोटोन के एनर्जी का रेशियो पूछा था, एक फोटोन की एनर्जी Hcλ, दूसरे का भी Hcλ, तो इसी दोनों का रेशियो पूछा है क्या होगा, तो एच और सी वो तो कैंसिल होगा, तो लैम्डा का रेशियो बच गया ना, λ2/λ1। क्लियर हुआ क्यों एनर्जी का रेशियो पूछा था, Hcλ लिया तो एनर्जी लर्न कर लो Hcλ। हाँ सेकेंड क्वेश्चन, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू रुको कैलकुलेट करके बताया था कुछ, 5 × 10^20 वगैरह कुछ आया था, तो वो तो कैलकुलेशन लीव करो, प्रोसेस समझो, NHc/λ इक्वल टू टोटल एनर्जी। N × Hcλ मतलब एक फोटोन की एनर्जी Hcλ है, तो कितना फोटोन लोगे तो 1 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? यस नो? ओके तो सबका यस है, किसी का नो नहीं। ठीक है नेक्स्ट,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स रेड बल्ब, मान लो उसका ले वेवलेंथ 7800 ले लो, और 50 वॉट का रेड बल्ब है, और कोई टाइम ले लो इन 5 आवर्स, 50 वाट का बल्ब है, 5 आवर्स में कितने फोटॉन्स बाहर भेजेगा? लास्ट आंसर नहीं चाहिए, प्रोसेस समझ में आ गया तो वी कैन लीव। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट कुछ लोगों ने आंसर कर दिया। 10^23, 10^19, 10^16, 10^20, 10^41, बट सबका आंसर अलग अलग ऑर्डर का। 10^26, 10^2, 10^lambda is equal to 250 इंटू 3600 जूल, ठीक है। ओके, तो प्रोसेस लगता है क्लियर हो गया सबको, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखो वेवलेंथ कितना हो गया, 7800 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम कितना बताया था मैंने,
10^-10 मीटर, ये था ना, इतना वेवलेंथ हो गया था। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, HC/λ, यही होगा ना। तो NHC/λ कितना हो गया टोटल एनर्जी, N इंटू 6.626 इंटू 10^-34 इंटू 3 इंटू 10^8 बाय लैम्डा के वैल्यू हो गया 7800 इंटू 10^-10 विल बी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा 50 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 50 जूल इमिट करता है, तो 5 आवर्स में कितना इमिट करेगा, एक बल्ब 50 वाट का है, मतलब 50 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहा है तुम्हें। 5 आवर्स में 50 × 60 × 60 इंटू आवर्स कितना था 5, तो ये टोटल एनर्जी होगा। हाँ 50 × 60 × 60 मतलब 1 सेकंड में 50 जूल देता है, 50 वाट का मतलब ये होता है, तो 5 आवर्स में कितना एनर्जी इमिट करेगा वो किया इक्वल टू NHC/λ। क्लियर? लास्ट स्टेप में क्या नहीं समझा, थोड़ा बताओ तो क्लियर होगा। अभी दे बल्ब की एनर्जी कैसे निकले, 50 वाट मतलब क्या होता है, यूनिट याद करो, 50 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में बल्ब कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, 50 जूल ना, 1 सेकंड बल्ब 50 जूल इमिट कर रहा है, तो 5 आवर्स में कितना इमिट करेगा। फाइव आवर्स में, हाँ 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 50 जूल, तो 1 मिनट में 50 × 60, 1 आवर में अगेन इंटू 60, सो 5 आवर्स में इतना एनर्जी इमिट किया था, कितना फोटोन निकलेगा, तो एक फोटोन की एनर्जी HC/λ था, एन फोटोन। अभी क्लियर हो गया? यस यस सर नो क्लियर। हाँ यही क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल है कि ज्यादा भी नहीं आते, बट आते थोड़ा बहुत जब आएंगे तो यही आएंगे। हाँ यही इसका सबसे टफ वाला पार्ट है, तो है क्वेश्चन अपना लिखते जाना इसका। एक फोटोन था लैम्डा 300 नैनोमीटर, वो मान लो डिसोसिएट हो जाए दो फोटोन में, इसका लैम्डा दिया हुआ 500 नैनोमीटर, तो इसका लैम्डा क्या होगा। टू हंड्रेड नहीं, 200 नहीं आएगा, टू हंड्रेड नहीं है वेवलेंथ, 200 नैनोमीटर नहीं होगा। एनर्जी कंजर्व करोगे ना, एनर्जी एक पैकेट की एनर्जी ब्रेक होकर दो पैकेट में बन गई, वन पैकेट कन्वर्टेड टू टू पैकेट।
750 लगता है, 750 वाला होगा, सबका आंसर 750 की हो जा रहा है। ओके यही जो एच सी बाई लैम्डा की एनर्जी थी, दो पार्ट में ब्रेक हो गई, एक लैम्डा वन में और एक लैम्डा टू में। एनर्जी कंजर्व होता है, जैसे 5 जूल एनर्जी है, एक 2 जूल हुआ तो दूसरा 3 जूल हुआ। एनर्जी को ऐसे करोगे इक्वल टू E1 प्लस E2, ना कि वेवलेंथ को। वेवलेंथ को कई लोगों ने कर दिया लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, ऐसा नहीं। वेवलेंथ कंजर्व नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी जैसे 100 जूल का था, दो पैक में बढ़ गया, एक 30 जूल है तो दूसरा 70 होगा, मतलब दोनों ऐड करके आएंगे। एच सी तो कैंसल हो गया, तो 1 बाई लैम्डा मतलब 1 बाई 300 विल बी इक्वल टू 1 बाई 500 प्लस 1 बाई व्हाट लैम्डा 2, यही पूछा है ना। यहां से जो भी आएगा लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लो। ओके नेक्स्ट इज द व्हाट इज द मास एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। देखो 300 नैनोमीटर का फोटोन हो गया, तो मास ऑफ फोटोन पूछा तो वो जीरो है, वो एनर्जी पैकेट है। बट मास एसोसिएटेड पूछे, मास एसोसिएटेड मतलब व्हाट मास इज कन्वर्टेड। What mass of a mass of photon zero है, तो mass associated मतलब what mass is converted into energy to get the photon? E का value जो होता है next page पर करना पड़ेगा सर, ये ऊपर बताता हूँ। मतलब कितने मास को तुम एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो फोटोन बन जाएगा। E इक्वल टू क्या होता है, एमसी स्क्वायर। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है कि मतलब मास, आइंस्टाइन का इक्वेशन के जो मास होता है वो बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी ना बचे, फोटोन बन जाए, तो वो एनर्जी आती है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो कितने मास को E into MC² करोगे कि वेवलेंथ वो इसके एक फोटोन बन जाए, कितना का फोटोन जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर हो। इसको हम लोग E = hc/λ से कर सकते हो ना, फिर मतलब ये जो होगा E = mc² और ये वैल्यू hc/λ कर दे। हाँ, तो यहां से जो तुम मास कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, h/λ × c। h नोन है, लैम्डा नोन है, c नोन है, मालूम चल जाएगा ना। मतलब कितने ग्राम मास को तुमने बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया कि वो फोटोन बन जाए 900 नैनोमीटर का। ये स्टेप क्लियर हो गया, क्लियर है नहीं क्लियर है, कुछ कुछ डाउट है। यस 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 पुराना प्रीवियस पेज पे डाउट रह गया था कि अच्छा सही से क्लियर नहीं हो पाता। वन बाई 300 कहाँ पे था, 1/300। अच्छा वो एच सी कैंसल कर दो, तनिश hc/λ = hc/λ1 + hc/λ2, एच सी कैंसल कर दो, तो 1/λ1 = 1/λ² + 1/λ2। यहां से
ये एच सी कैंसिल कर दो, यहाँ एच सी कैंसिल कर दो, यहाँ से एच सी कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा ना 1 by lambda = 1 by lambda 1 + 1 by lambda 2। क्लियर प्रीवियस? तुम्हें ये बोर्ड देखना था, हाँ बोलो। हाँ प्रणय, इस पे डाउट है? फिर से नित्या, क्या डाउट आया वो डाउट बताओ, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब फिर से कई बार होता है एक ही पार्ट। क्या होता है जब तुम बोलते हो फिर से एक्सप्लेन करो, तो बार बार वही चीज में बोलते रहता हूँ, नहीं समझ में आता, जहां पे डाउट हो वो बताओ पॉइंट। मतलब इसको 3 बार बता चुका ना, तो सोचो तुम। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ तो उससे क्लियर हो जाएगा, उसमें वो इशू नहीं है नेटवर्क का इशू था। E=mc² कैसे आया? ये आइंस्टाइन इक्वेशन है कि कितने मास को तुम एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, जैसे ये मान लो कि मास है, जब ये कन्वर्टेड टू एनर्जी, ये एनर्जी जो बनेगा तो mc² बन जाएगा, और सिंस ये फोटोन बन गया तो ये hc/λ हो गया। तो किस कितने मास को कन्वर्ट किया गया, h/λ × c को, बस आ जाएगा। यूनिट पूछ रहे हो तो यूनिट तुम्हें ऐसा यूनिट मेंटेन करोगे तो किलोग्राम आएगा, 6.63 × 10⁻³¹ ऐसा यूनिट है। लैम्डा 7800 एंगस्ट्रम, 7800 × 10⁻¹⁰ मीटर, c³ × 10⁸ मीटर/सेकंड, तब ये किलोग्राम आएगा। ऐसा यूनिट रखोगे तो ऐसा यूनिट आता है। E=mc² आइंस्टाइन इक्वेशन से आता है, ये मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो E=mc² से। ये नहीं मालूम था क्या आइंस्टाइन इक्वेशन? ओके तो नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, और कोई डाउट? डाउट नहीं, ठीक है तो चलो नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सिलेबस स्लो हो जा रहा है क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट है, E=hc/λ, nhc/λ टोटल एनर्जी, बस उसी पे इतना टाइम लग गया। अब ऐसे कंसेप्ट्स बहुत सारे बाकी हैं, देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेक्चर 8 to 10 है आज, शेड्यूल में 8 to 10 ही था ना, हाँ उतना ही रहेगा, इंक्रीज नहीं करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा इंक्रीज करना। फोटॉन्स स्ट्राइक इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? फोटो मतलब फोटॉन्स स्ट्राइक करेगा और उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ना। तो ऐसा कौन सा मेटल है, जैसे आयरन का एटम ले लो, उस पर लाइट पड़ता है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, बहुत कम चांस है। बट सो सीजियम फ्रांसियम ये ले लो, ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 1 का क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, बहुत कम होता है। तो उसको थोड़ा भी एनर्जी मिलती है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है और रिएक्ट कर देता है। सोडियम को थोड़ा लाइट मिला नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर, वो तुरंत ऑक्सीजन को दे देगा। ये सबको तुमने फोटॉन्स भेजा ना तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आने लगेंगे, बट आयरन वगैरह जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, उसको ऑक्सीडाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो उधर चले जाओगे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ग्रुप 4 वगैरह, तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देंगे कोई भी एलिमेंट, क्यों, वो सबका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, उसमें तुम फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। ये किसके लिए, ग्रुप 1 वाले के लिए, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही फोटोन बाहर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। डाउट्स आ गए क्या? नहीं सिलिकॉन ब्रोमीन वगैरह नहीं,
वो उससे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन वेल बाउंडेड होता है, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं आते। तो हम लोग ग्रुप वन की बात कर रहे हैं। ठीक है छोड़ो, फालतू चीजें बजा रहा नहीं, किधर क्या है वो नहीं। अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रुप वन के लिए इतना क्लियर हुआ ना, क्योंकि आयोनाइजेशन कम होगा, वही एक मेटल इससे बाहर आएगा, नॉन मेटल किसी से बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक मेटल सरफेस लेते हैं और उस पे इसको स्ट्राइक करते हैं, सनलाइट भेज दो या कोई भी पर्टिकुलर लाइट भेज दो, तो इलेक्ट्रॉन्स अचानक बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा लाइट, या लाइट, और यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। इधर तो लाइट जाके मेटल सरफेस पे जैसे स्ट्राइक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, राइट। ये कौन सा था? वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में एक मेटल सरफेस पे लाइट डाला गया, ये क्या था? यहाँ पे मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, वो भी सारे मेटल नहीं, ग्रुप वन के, है ना, कुछ और नहीं, मेटल सरफेस डाल दिया गया। तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाके सीधा इस साइड स्ट्राइक किया। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्टेड रखते हैं, ये बैटरी है, ये क्या होगा? इसको निगेटिव, वो तो बैटरी उल्टा लिख दिया मैंने, निगेटिव, और इसको पॉजिटिव ले लो, एनोड कैथोड ले लिया तुमने, है ना, ऐसे था बैटरी, है ना, ये बड़ा वाला पार्ट इधर, छोटा वाला इधर, ये पार्ट हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा? एनोड पे पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट किया, इसमें क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो जैसे ही लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया आपने, तो इधर इलेक्ट्रॉन आके जैसे ही जस्ट स्ट्राइक करेगा, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो करंट मिलना स्टार्ट हो जाता। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल यही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और जाके इससे इससे जैसे ही मिला, सर्किट कंप्लीट होकर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे बैटरी हो गया और ये अरेंजमेंट हो गया। हाँ, एक वैक्यूम चैम्बर लिया हुआ, ये समझो, फिर से समझो, तो एक वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, मान लो सीजीएम है, तुमने लाइट जैसे ही डाला, यहाँ पे लाइट डालने के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? एनोड की ओर। ठीक है, क्यों? ये एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करते गया, और ये निगेटिवली चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा? एक करंट का फ्लो हो गया ना पूरा, मतलब ये बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाते, तो करंट फ्लो नहीं करता, बैटरी काम नहीं करती, और बैटरी काम कर रही है, तो बस सिंपल सा ये हो गया कि लाइट स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जाकर दूसरे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, वैक्यूम में रेजिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो सभी पोलराइज होगा। अब तुम हीलियम नियॉन वगैरह डालोगे तो क्या होगा? हीलियम से स्ट्राइक करेगा, रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, हम लोग नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन रुके, वो डायरेक्ट उधर मिले, सर्किट कंप्लीट हो। हाँ, फिर सारे डाउट्स फालतू वाले, वो सबकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, वो सबकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना।
करना भी रहेगा तो वो आएगा लाइट चैप्टर में, या फिर इधर मान लो ये सब डाउट्स एंटरटेन करें आउट ऑफ सिलेबस हम लोग, तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसके लिए टाइम अलॉटेड था जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसको कंप्लीट करना था 20 मिनट्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको 1 आवर में, बट टाइम कितना लग रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 1.5 घंटे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें भी 2 घंटे। तो फालतू वाले जो चीजें मैं बोल दूं आउट ऑफ सिलेबस, उसे मान लो आउट ऑफ सिलेबस छोड़ दो पार्किंग। जैसे पूछा तुमने कि देन फोटोन कैन पास थ्रू द एनी ट्रांसपेरेंट मैटर, तो वो सबसे मतलब ही नहीं हम लोग। इलेक्ट्रॉन क्या केवल वैक्यूम में आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं और भी तो आ सकता है ना। ये फिर एक्सप्लेनेशन में हुआ क्या, सिंपल चीज सोचो, हम लोग को केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो पूछेगा कि इतना फ्रीक्वेंसी दिया क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसके लिए इस पे ज्यादा टाइम पास नहीं। जिस चीज को मैं बोल दूं ना आगे सिलेबस में, बस इतना ही तक का जानना है, बस उतना ही जानो राइट। नहीं तो पूरा पढ़ने को पढ़ सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो पूरा एमएससी में लोग रिसर्च करते हैं इस पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर 2 साल लगाते हैं उस पर, वो भी कर सकते हो। 2 साल पूरा एक चैप्टर पे लगाते हैं, बट अपना काम वो नहीं है। हम लोग को एक चैप्टर पे हार्डली 4 सेशन देना है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। जो नहीं समझ में आ रहा, देखो एक मेटल सरफेस है, दिख रहा है मेटल सरफेस, या क्या नहीं समझ में आ रही है बताओ, क्योंकि 2 बार तो बता चुका हूँ इसको नहीं समझ में आया। हाँ प्रिशा बताओ, डेफिनेशन डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक का है कि फोटोन स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। क्वेश्चंस आगे आएंगे, क्वेश्चंस तक जाए तो हम लोग न्यूमेरिकल आएंगे, सब कुछ नहीं आने वाला। जैसे क्वेश्चंस बताया ना प्लैंक्स क्वांटम थियरी में कैसे आता है, बल्ब है कितना आएगा, सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थियरी से ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, लाइट को स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन बाहर आया। ये टॉपिक ठीक है, तो आगे अब करें। तो ये बस केवल डेफिनेशन हो गया, इससे कुछ नहीं आने वाला, आगे भी 2 पेज करूंगा कुछ नहीं आएगा, जो फॉर्मूला आएगा उससे सब होगा। अब क्या हो गया, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी कितना, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, स्ट्राइक ऑन मेटल, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। और दिस इमिटेड व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटोन का स्ट्राइक किया गया, यही डेफिनेशन है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर, मान लो कि 10 हर्ट्स पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे 11 हर्ट्स, 12 हर्ट्स, 13 हर्ट्स, 15 हर्ट्स, करते मान लो 15.7 हर्ट्स पे जैसे ही पहुंचा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, इलेक्ट्रॉन के कारण बाहर आया, इलेक्ट्रॉन वही है, मास चार्ज सब कुछ सेम है, बट वो किस प्रोसेस से आ गया इसके कारण उसका नेम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी डाउट आ गए थे।
मेटल सरफेस विल बी मेटल लाइक, हाँ सो वो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वगैरह। यू नॉट अ कॉन्स्टेंट, यू नॉट क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? चलो अभी थियरी कंप्लीट करने दो मुझे, तब पूछना सर। सैटरडे को केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होगा, वीक में दो केमिस्ट्री दो फिजिक्स दो मैथ होता, वो शायद न्यू स्टूडेंट के लिए देंगे वो। हाँ तो सर्टेन फोटोन से ज्यादा होना चाहिए, यही है ना। तो न्यू नॉट क्या हो गया, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। Required for ejection of electron, minimum कितना frequency होगा तो ये होगा, या threshold wavelength आता है, threshold wavelength lambda not, new not मालूम है तो lambda not कितना होगा, c lambda not will be c by new not ना, ये क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना दोगे कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये हो गया। तो जैसे कि मान लो कि एक आ जाता वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फाई और डब्ल्यू कुछ भी लिखेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि मान लो एक सरफेस है यहां पे जिसका फाई का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब तुमने एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा तो वो एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मिनिमम मेटल सरफेस पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेजना पड़ेगा तुम्हें, तो तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ई इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी पैकेट बड़ा हो गया। अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन 1 जूल का जा रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जा रहा था, वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जाने लगा, तो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं ला पाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तुम और बढ़ाओगे, पहले 50 हर्ट्ज का भेज रहे थे, तब 51 हर्ट्ज का भेजोगे, फिर 52 हर्ट्ज का भेजोगे, 55 हर्ट्ज का भेजोगे, इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे जो लाइट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन विल इंक्रीज, और जैसी एनर्जी ऑफ फोटॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा बट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 ही रहेगी। हाँ बट तुमने फोटॉन की एनर्जी और बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन भेजा तुमने, एक फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर आने में लगेगा उसे, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, उसकी एनर्जी होगी ना अपनी, वर्क फंक्शन मतलब कितना मिनिमम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस सीजीएम इमेजिन करो, उसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम 2 जूल एनर्जी चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई एक डेटा हो गया, तो मान लो 2 मिनिमम दोगे तो बाहर आएगा। और तुमने क्या भेज दिया है, पैकेट भेज दिया है, ये एच सी बाई लैम्डा, ये सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेज दिया, जैसे ही ये सब फोटोन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले बहुत सारे, क्या होंगे, 2 तो बाहर आने में लग गया, रेस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्यों, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा तुमने और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे बाहर आने के लिए चाहिए, रेस्ट किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में ना, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी फिर वहां पे। मतलब मान लो कि
सपोज वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुमने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन भेजे, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? हाँ राइट है, सबका राइट है, मतलब सबको समझ में आ गया। ओके, एक फोटोन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा तुमने, और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब क्या होगा? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाएगा, एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, और मिलियंस ऑफ फोटोन भेज रहे हो, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो हाँ रुको, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा, एक एक पैकेट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो वहां पर होगा क्या? जैसे कि तुमने ये मेटल सरफेस हो गया, सपोज फाइव इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 चाहिए, और तुमने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन भेज दिया, ऐसे बहुत सारे भेजे है ना, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग, यहाँ पे क्या होगा? वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, सब जाके एक एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, यही होगा ना, कुछ तो वेस्ट हो जाएंगे, एटम पे स्ट्राइक करके बाहर चला गया, और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो जब बाहर आएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तुमने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में लग रहा है, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, रिमेनिंग इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 7 - 3 = 4। हाँ भार्गव बोलो। एक मिनट, भार्गव का डाउट है। हाँ बोलो भार्गव, बोलो, अनम्यूट किया। हेलो, हाँ बताओ। सर वर्क फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है क्या, क्योंकि अलग मेटल्स के लिए तो वैल्यू अलग होगा ना? सबके लिए अलग अलग होगा, दिया रहेगा एग्जाम में डेटा। अच्छा ओके, मैं बस 3 डेटा चाहिए तो 2 दिया रहेगा, 1 बताना होगा। ओके इतना क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर? यस 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 यस, ओके सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस वही आता है क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, बस इतना ही करना है, इतना ही पे क्वेश्चन होंगे, क्लियर? बाकी सबसे ज्यादा मतलब नहीं रहता उसमें, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से एलिमेंट करेंगे, किसका वर्क फंक्शन क्या होगा, बस फॉर्मूला है, उसमें 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। तो के ई मैक्स क्यों मैंने बोला, कि मान लो कि एक 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन जा रहा है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मूविंग होते हैं, और वो जैसे ही एनर्जी लेकर बाहर आ जाए, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, बाहर ही आ गया सीधा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में लगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। बट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को मिला तो जरूरी नहीं है कि बाहर ही आए, हो सकता है कि एनर्जी लेके जाकर अंदर ही घुसते चला जाए, मेटल के अंदर अंदर चलते चला जाए, तो मेटल में अंदर जाके इधर स्ट्राइक करेगा, उधर स्ट्राइक करेगा, किसी एटम पे करते करते पूरा एनर्जी लॉस कर दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं आया, तो उसकी एनर्जी लॉस होगा, बदले में सरफेस हीट होगा, सनलाइट डालते हो तो मेटल हीटेड हो जाता है ना, लाइट में क्या होता है, मेटल्स या कुछ भी चीज हीटेड हो जाता है, तो वही जाता है, फोटोन अंदर जाता है, पूरा हीट कर दिया उसे, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर करके हीट कर देगा चारों। अब कुछ मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को मिला, उसने इधर उधर स्ट्राइक करके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिए, और सरफेस पे आया तो उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो बाहर आने में लग जाएगा, दिस काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्लियर? 7 - 3 नहीं समझ में आया था, तो सब इसके आगे ही था कुछ ही, तो इसके आगे इतना बढ़ गया, उसी समय बोलते नहीं, अच्छा चलो देखो फिर से देखो, एक फोटोन में भेजता हूं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इमेजिन करो कि 7 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हो सकता है कंफ्यूजन आ रहा तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए 3 जूल एनर्जी चाहिए, 3 जूल्स, और तुमने फोटोन दिया 7 जूल का, तो जाके इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करे तो 7 जूल जाके स्ट्राइक करे तो इलेक्ट्रॉन को 7 जूल एनर्जी मिली, मतलब उसे बाहर आने के लिए 3 जूल चाहिए था, 3 जूल तो बाहर आने में लग गया था, रेस्ट 7 - 3 = 4 जूल क्या होगा,
उसका काइनेटिक एनर्जी। मतलब 3 जूल चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा तुमने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे बाहर आने के लिए चाहिए। क्यों? मेटल सरफेस किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देता, 3 बाहर आने के लिए चाहिए, तुमने 7 भेजा है, 3 बाहर आने में लग गया था, 4 ही बचा ना। अच्छा ऐसा सोचो कि मान लो तुम्हें सपोज यहां से बोला कि घर जाना है, सबको मैंने 50 रुपीज दिए कि घर जाओ, तो ऑटो का फेयर 10 रुपए है मिनिमम, तो 10 रुपए ऑटो फेयर लग जाएगा तुम्हें, तो बाकी 40 रुपए बचेंगे ना तुम्हारे पास, 50 माइनस 10, 40 रुपीज तुम्हारे पास रहेगा। कोई बोले कितना रुपीज बचा तुम्हारे पास, तो बोलोगे 10 रुपए तो बाहर आने में लग गए, मतलब घर पे आने पे लग गए ऑटो में, रेस्ट बचा हुआ है 50 माइनस 10, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम जो किसी के पास बचा होगा 40। बट कई लोग ऐसे होंगे कि जो सबको 50 50 रुपीज मैंने दिए हैं, तो कुछ लोगों ने पहले निकल के तो उसका पानी पूरी स्टार्ट कर दिया खाना, 20 रुपए तो उसमें उड़ा दिए, तो बचे थे 30 रुपीज। अब वो 10 रुपए ऑटो वाले को देके घर पहुंचे, तो उनके पास 20 रुपए ही बचे, तो उनके उनके पास बचे हुए रुपए 20 है। किसी को 50 रुपीज दिया, वो 40 रुपए पहले ही निकलने के साथ खर्च कर दे, तब वो ऑटो पकड़ के पहुंचा, तो उसके पास 0 हो गया। कुछ लोग ऐसे होंगे 50 रुपीज मिलने के साथ ही इधर उड़ा दिए, तो घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं बचे ना कि घर जाए। तो उसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बहुत सारे आए, सब इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, बट कुछ इलेक्ट्रॉन तो इनसाइड एंटर कर जाएंगे, इधर उधर स्ट्राइक करके बाहर ही नहीं आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो सीधे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, सीधे बाहर आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको लगा, बाहर आने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई। और कुछ ऐसे होंगे जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिया, मिलने के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर एटम से स्ट्राइक किया, इधर स्ट्राइक किया, उधर स्ट्राइक किया, एनर्जी कम करते करते मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया, उसके सरफेस पे आते आते 4 बच गया, और 3 तो बाहर आने के लिए चाहिए, तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी और मिनिमम कितनी बचेगी, तो के ई मैक्स का एक रेंज हो जाएगा, के ई मैक्स मैंने बोला 4 होगा, के ई मिनिमम क्या होगा, 0 भी होगा, मतलब किसी के एनर्जी 0 भी आ सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 से ये hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, ये होगा काइनेटिक एनर्जी। और के ई मैक्स लिखा जाए तो हो जाएगा hc/λ मतलब -5। हाँ वो तो काइनेटिक एनर्जी बन के निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उतना, लेकिन नहीं उसका कोई रिलेशन नहीं सोन। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब वर्क फंक्शन से बोल रहे हो ना? हाँ वर्क फंक्शन में होगा, अभी बताया ना कि जितना मैग्नीशियम आयरन लोगे तो उसमें इंटर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, तो लाइट बाहर नहीं कर पाती। तो हैवी मेटल्स है जो ग्रुप डी ब्लॉक वगैरह है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, ग्रुप वन वाले का ही वर्क फंक्शन कम है। What is the use of rest kinetic energy? कुछ भी नहीं, वो निकल गया वहां से लेके, उतना उतना तेज वेलोसिटीज निकलेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना फास्ट वेलोसिटी रहेगी उसकी निकलने में, कोई स्लो वेलोसिटी से आएगा इलेक्ट्रॉन, कोई फास्ट से आएगा, कोई फास्टेस्ट से आएगा, कोई जस्ट 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट निकल के बाहर पड़ गया, और कोई बहुत तेजी से बाहर आया, बस इतना ही यूज है। मतलब फोटोन स्ट्राइक करोगे तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से तुम्हारे और आएंगे। हाँ वो बताता हूँ मैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही रुक जाता है, फिर इतना क्लियर हुआ ना, रेस्ट आगे क्लियर होगा, अभी पूरा पॉइंट कर क्लियर करते जाऊं तो यहाँ पे वर्क फंक्शन के ई मैक्स hc/λ हो गया, वर्क फंक्शन फाइ वो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं hc/λ0 या hν0। मतलब कि phi 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था कि फोटोन भी 3 इलेक्ट्रॉन का ही भेजा तुमने, है ना। मान लो कि वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, और जब फोटोन की एनर्जी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा
तो वो फोटोन तब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यही है ना। तो फाई का वैल्यू क्या लिख सकते हम लोग, एचसी बाई लैम्डा या एच न्यू नॉट, यही होगा ना। ये क्लियर हुआ कैसे, एचसी बाई लैम्डा नॉट या एच न्यू नॉट? चलो ठीक है, बैटरी भी इसकी ओवर हो गई, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस पे क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं, कर लेना वो। ओके।